दोस्तों मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं आप ही के शहर इलाहाबाद का हूँ। इलाहाबाद बहुत बड़ा है। इलाहाबाद में बहरिया ब्लॉक कपसा गांव का रहने वाला हूँ। आज से 5 साल पहले एसलीपीएस फेसबुक पे मिली थी। हमने भी आप ही लोगों के जैसे इसको देखा, सुना, समझा और सुनील सर से, अनु सर से डिस्कस किया। डिस्कस के दौरान एक चीज की चिंता थी जिसने हमें बार बार रोक रखी थी कि मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन सर लोगों ने 5 मिनट के अंदर में वो क्लियर कर दिया कि कोई टेंशन नहीं है। टेंशन सिर्फ इतना था दोस्त कि मैं कंपनी में ज्वाइन तो हो जाऊं, पता नहीं कमाई होगी कि नहीं होगी, काम होगा कि नहीं होगा, लेवल होगा कि नहीं, टीम बनेगी कि नहीं, खर्चे चलेंगे कि नहीं। सर ने साफ शब्दों में एक लफ्जों में बोला था, विपिन जी अगर आप हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हो, 100 की सीधी एक बात है, अगर एक रोटी है तो आधी हम खाएंगे, आधी आपको खिलाएंगे। अगर एक बिस्तर है तो आधे पे आप सोएंगे, आधे पे हम सोएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक रोटी है तो मैं अकेले खा लिया और आप भूखा सो रहे हैं। दोस्त क्लियर समझ में आ गया, स्पष्ट पर्पस समझ में आ गया कि सीनियर हमारे सपोर्ट में खड़े रहेंगे, सीनियर हमारे साथ देने के लिए तैयार हैं। और मैंने इमीडिएटली ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद काम करना शुरू किया। काम में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आपको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा कोई लीडर नहीं है जो एसएलपीएस में दिक्कतों का सामना ना किया हो, डायरेक्ट सफल हो गया हो। सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, किसी को प्लान करने में, किसी को फॉलो करने में, किसी को किट भरने में, किसी को टीम बनाने में, किसी को ट्रेनिंग चलाने में, किसी को सेमिनार चलाने में, यही सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा और मुझे भी करना पड़ा। लेकिन इन्हीं दिक्कतों में बहुत सारे लोग अपना हौसला बंद कर देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, अपने सपने देखे हुए तोड़ देते हैं, सीधा नौकरी के बारे में सोच लेते हैं। कहीं प्राइवेट नौकरी मिल जाए वहाँ मैं काम कर लूँगा, कोई दिल्ली मुंबई आगरा का चक्कर काटने लगता है। लेकिन दोस्त मैंने एक निर्णय लिया था कि मैं एसलीपीएस में काम करूँगा। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे लेकिन मैं कहीं पर नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ एसलीपीएस में काम करने का तरीका बनाया। सीनियर ने जैसे बोला वैसे चुपचाप काम किया, जिसकी वजह से सफलता मिलना शुरू हुई। दिक्कतों का सामना आपको भी करके सफलता मिलेगी, मुझे भी मिली है। लेकिन दोस्तों साफ शब्दों में एक बार बोलूंगा, जब मैंने काम करना शुरू किया, बहुत सारे लोगों के पास में गया, प्लान दिखाया, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया। उस बीच में मैं कई बार हताश हुआ हूँ कि मैं कंपनी छोड़ दूँ, क्योंकि टाइम पे कभी कभी ये भी दिन देखा हूँ जो अपने घर के खर्चे मेंटेन नहीं कर पाया, अपनी बाइक का खर्चा मेंटेन नहीं कर पाया, अपनी कार का खर्चा मेंटेन नहीं कर पा रहा था। उस समय मेरा भी मन बोलता था कि मैं एसलीपीएस छोड़ दूं, लेकिन बस एक बात याद आती थी, अगर मैं एसलीपीएस छोड़ दिया तो पेट चलेगा, सपना तो पूरा होगा ही, और सिर्फ और सिर्फ जीवन काटने के बारे में सोचूंगा, जीवन तो कभी जीने का मौका पाऊंगा नहीं। जिसकी वजह से ये बार बार मुझे टच करना पड़ता था और मेरा मन बोलता था चलिए अभी नहीं छोड़ना। और मैं कोई भी काम करता हूँ लिखित करता हूँ, ऐसे में काम करते 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 टीम बनने लगी। जब टीम बनने लगी, बिजनेस चलने लगा, बिजनेस उठने लगा। उस बीच में बड़ी समस्या आई, जहाँ भी जाऊँ, जिसके पास भी जाऊँ, दिन भर में 100 बार लोग यही बोलते थे कंपनी बेकार है। क्या बोलते थे, तेज से बोलिए, आपको भी सुनना पड़ेगा, आपको भी लोग बोलेंगे, मुझे भी सुनना पड़ा है। लोग बोलते थे कंपनी बेकार है, मैं उनको एक ही जवाब देता था और वो जवाब आपको भी देना चाहिए। और आप लोग अपना जवाब सोचना, क्या आप देते हैं क्या नहीं देते, मुझे नहीं पता मैं क्या जवाब देता था, और जिससे कि मुझे खुशी भी मिलती थी। लोग बोलते थे कंपनी बेकार है, मैं उनके सामने बोलता था यस कंपनी बेकार है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। ऐसे में ऐसे करते 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 एक दिन तो मैं अपने पड़ोस में गया और एक व्यक्ति को ऐसे चौराहे पर मुलाकात हुआ, ऐसे बातचीत होने लगी। उसने बोला विपिन तुम बहुत बेकार काम करते हो, तुम्हारी कंपनी बहुत बेकार है। मैंने बोला ठीक है, थोड़ा सिद्ध करेंगे कैसे बेकार है। उसने बोला तुम लोगों का पैसा लगवा देते हो, इतनी महंगे प्रोडक्ट दिलाते हो, इतना गरीब व्यक्ति हैं वो अपना पैसा 8,000, 16,000, कोई 5,000 कंपनी को दे देता है, और बदले में क्या मिलता है, उनको प्रोडक्ट मिल जाता है, दवाई मिल जाती है जो उनकी ज़रूरत का भी नहीं होती है, फिर भी वो खरीद लेते हैं। मैंने बोला हाँ तुम्हारी बात सही है, मैं तुम्हारे कहे अनुसार चलता हूँ, कंपनी बेकार है। ऐसे बगल में एक और आदमी खड़ा था, मेरा मित्र ही था दोनों। मैंने बोला ये बोल रहा कंपनी बेकार है और मैं काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा फील नहीं होता मेरी कंपनी बेकार है, लेकिन मैं इनकी बात से सहमत हूँ और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताना कंपनी बेकार है कि नहीं। मैंने उनसे पूछा अच्छा ठीक है मैं कंपनी बेकार समझ लेता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, अगर ये बंदा पढ़ाई लिखाई कर रहा है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी नहीं पा रहा है, और मैंने इसको सलाह दिया, इसने मेरी कंपनी में ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद बाइक पे आ गया, क्या ये काम मैंने बेकार किया? आपकी आवाज में दम नहीं आया। क्या मैंने काम बेकार किया? और एक बंदा को मैंने ज्वाइन कराया और उस बंदे ने कार परचेज कर लिया, क्या मैंने काम बेकार किया? एक मरीज को मैंने दवाई दिलाया जहाँ पे 10,000, 10,000, 15,000 महीने के उसके खर्च होते थे और उसका ठीक नहीं होता था समस्या, लेकिन यहाँ से 15,000-16,000 रुपए में एक बार मेरे प्रोडक्ट दिलाया और उसकी समस्या ठीक हो गई, क्या मैंने बेकार काम किया? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो बेचारे बेरोजगार थे, कभी यहाँ काम कभी वहाँ काम करते थे, मजदूरी भी नहीं पाते थे, कोई रोक लेता था, कोई टोक देता था, कोई भगा देता था बीच से और मजदूरी भी काट लेता था, और ऐसे लोगों को मैंने अगर ज्वाइन करा दिया 5,000 रुपए में, और आज वो डेली का 10,000 15,000 20,000 रुपए कमाने के लिए मेहनत करते हैं और लेबल ले रहे हैं, क्या ये काम बेकार है? मैंने बेकार किया? जैसे आप लोग नो बोल रहे हैं, वैसे बगल वाला मित्र बोला, नहीं विपिन जी, आप तो बेकार काम नहीं किया। मैंने बोला, इनसे पूछ लो ये कौन ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कहाँ पे खड़ा किए हैं जो इनकी वजह से उसके जीवन में खर्च हो रहा, उसके जीवन में तरक्की हो रही, उसकी जबान से मत। मेरे दोस्त एक बात बताना, आज रूबी जी पिंटू जी आपके सामने आए थे, लॉकडाउन में उन लोगों की जॉब छूट गई और उन लोगों ने असली पीएस का दामन थामा, मेरे माध्यम से ज्वाइन किया, क्या मैंने उनको ज्वाइन कराया, बेकार काम कराया? आज वो कार पे चलते हैं, बेकार काम है। पुष्पा जी के हस्बैंड ने बीमारी की वजह से वापस भेज दिया कि मैं आपका सेवा पानी नहीं कर सकता, मैं अपने घर में नहीं रह सकता, मेरे परिवार में आप नहीं रह सकती, उनका समाज से उनको बाहर कर दिया गया। और हमारी कंपनी का प्रोडक्ट 8,000 से 10,000 रुपए में उनकी फीवर को ठीक कर दिया और वो स्वस्थ हो गई और काम करके स्कूटी परचेज कर, क्या मैंने बेकार काम किया? दोस्त लोग तो बोलते हैं बेकार काम कर रहे हो, लेकिन आपका माइंड क्या बोलता है, आप सही कर रहे हो कि बेकार कर रहे हो, कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी और मैंने भी आप कुछ नहीं किया। शुरुआत मैंने भी किया था दोस्त, अगर मैं उन लोगों की बात मान लिया होता तो आज इतने बड़े कारवा हमारी टीम में नहीं बनता और इतनी बड़ी तरक्की हमारी नहीं होती, इतना बड़ा स्टेज नहीं मिलता, क्योंकि मैं भी बार बार नेगेटिव हुआ हूँ। लोग जब बोलते हैं ना, तो आपका वहाँ पे ये मोटिवेशन काम नहीं करता, क्योंकि आपको बात याद नहीं रखती। पुष्पा जी को बात याद थी, जिसलिए उन्होंने लेबल पे लेबल लिया। आपका भी नंबर है याद रखने का, ज़्यादा समय नहीं है दोस्त, जितना बताऊँ कम है। ट्रेनिंग में आते रहना, मीटिंग में आते रहना, सेमिनार में आते रहना, एक एक पॉइंट कवर हो जाएगा, जिंदगी का हर कुछ आपको शामिल हो जाएगा और आने वाले समय में आप सफलता जरूर लेके आएंगे। बस एक बात पे आपको समझा करके जाना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में कभी हार मत मानना। दोस्तों हम लोग इस संसार में मनुष्य का जीवन पाए, सही है, ऐसे बोलिए, मनुष्य का जीवन पाए हैं और मनुष्य के लिए उस ईश्वर ने इस धरती पर हर सुख सुविधाओं को बना करके भेजा है, बशर्ते आपके कर्म के ऊपर डिसाइड किया है कि आप जैसा करेंगे वैसा सुख भोगेंगे, जैसा करेंगे वैसा दुख पाएंगे, सही बात है। दोस्त हमने सुना था सुपरस्टार इस टाइम पे चमकता हुआ सितारा खेसारी लाल यादव बोल रहा था कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं ना, बहुत खुशी मनाने का दिन है, आपके पास बहुत कुछ करने का मौका है। अगर आप अमीर पैदा हुए होते तो आपके पास कुछ करने का मौका नहीं होता, आपकी पहचान बनाने का मौका नहीं होता, आपके कर्म की पहचान नहीं होती, सही बात है कि नहीं। हम लोग गरीब पैदा हुए हैं ना, इसका दुख कभी महसूस मत करना, हमेशा खुशी मनाना और अपनी पीठ थपथपाना कि हमारे पास कर्म करने का मौका है और हमें दिखाने का मौका है जमाने को कि अगर हम कमजोर हैं, हताश हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, गरीब हैं, हमारे पास कर्म एक ऐसा शब्द है जिस पे हम करके वो सारी चीजें अचीव कर लेंगे और जिस दिन गरीब से अमीर बनेंगे पूरे संसार में हमारा नाम फैलेगा। तो दोस्त मेहनत करना, मेहनत करना अपनी टीम बनाने के लिए, अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए, अपनी तरक्की लेने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए कभी हार मत मानना, क्योंकि दोस्त चाहे यहाँ काम करोगे चाहे कहीं बाहर काम करोगे हर जगह मेहनत करनी पड़ेगी, सही बात है कि नहीं। तो यहाँ मेहनत करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, और जगहों पर मेहनत करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम समय में बहुत कम मेहनत में आप सफल होते हैं। बस एक बात याद रखना मेरे दोस्त, मैं जाते जाते आपको इतना समझाऊंगा, इस धरती पर एक पुतला बनाया गया, उसका नाम मनुष्य बताया गया। मनुष्य घबरा जाता है कठिन परिस्थितियों को देखकर, लेकिन उसी कठिन परिस्थितियों में सारा सुख छिपाया गया। तो दोस्त इस कठिन परिस्थिति को पार करना, इसी के पीछे सारा सुख मिलेगा। उस जगह से उठ करके आने में यहां तक दुख है, लेकिन यहां से आने के बाद उस जगह में जाने में कोई दुख नहीं है। तो तैयार है करने के लिए दोस्तों, यहाँ तक अगर मैं पहुँचा हूँ तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं था, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, आज देखने के बाद सुनने के बाद लगता होगा कि मेरे अंदर बहुत कुछ करने का क्षमता था, नहीं, मैं भी आप लोगों के जैसे स्टेज पे बोल नहीं पाता था, कुछ करने के लिए तैयार नहीं होता था, किसी के सामने जाता था तो अपना नाम भी बताने में हकबका जाता था। लेकिन यहाँ पे हमारे सीनियर अनुज सर, सुनील सर ने बार बार सिखाया है, एक एक चीज़ों को कवर किया है, फोन के माध्यम से, जूम के माध्यम से, फिजिकली मिल करके, कभी कार चल रही है वहाँ पे, कभी फोन में, कभी कहीं पे, हर जगह पे उन्होंने सिखाने का प्रयास किया है, उन्हीं के सिखाने का नतीजा है कि आज स्टेज पे बोलने का मौका पाया। तो दोस्त एक बात याद रख लेना कि जीवन में आगे बढ़ना है, संघर्ष करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे समय, मैं जाता हूँ और अगले व्यक्ति का प्रमोशन होने वाला है, प्रमोशन देखिए, यहाँ से निकलने के बाद आप भी अपने प्रमोशन की तैयारी करना,
बहुत सारा मौका मिलेगा, फिर से स्टेज पे आने का मौका मिलेगा, इसकी तैयारी करना। तो आप सभी लोगों ने इतना सम्मान दिया, ताली बजाया, आप लोगों को कम समय में बहुत कुछ बताने का प्रयास किया। अगर बात अच्छी लगी है अपना लेना, बात कड़वी लगी है ठुकरा देना। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।